अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई यासिर मलूक। अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और सेहतमंद रखे। अल्लाह जल्ल जलालुहु आप सब की जायज़ ख्वाहिशात और नेक हाजात को अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फरमाए। आज की मेरी ये वीडियो जो है, ये हर उस मुसलमान के लिए जो परेशान है। कोई इंसान नहीं होगा जिसके ऊपर परेशानी ना हो या हाल ना आया हो, लेकिन हर परेशानी का हल अल्लाह जल्ल जलालुहु ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। हाल आते रहते हैं और हाल आता इसीलिए है कि इंसान जो है ना, ये अल्लाह के साथ इसका ताल्लुक मज़बूत बन जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हर मुसलमान को इम्तिहान में रखा हुआ है। हर इंसान जो है वो इम्तिहान में है, हर हाल में वो इम्तिहान में है। चाहे वो मालदार है वो इम्तिहान में है, चाहे वो गरीब है वो इम्तिहान में है, चाहे वो मर्द है वो इम्तिहान में है, चाहे वो औरत है इम्तिहान में है। हर हाल में इंसान सेहतमंद है तो भी इम्तिहान में है, बीमार है तो भी इम्तिहान में है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हर चीज़ का हल कुरान में और अहादीस में हमें बताया हुआ है, लेकिन आज मुसलमान इसलिए परेशान है कि वो कुरान और हदीस को छोड़कर दुनिया की चीज़ों में लग गया है और अपनी परेशानियों का हल ढूंढता है। तो मेरे भाइयों, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीके बतलाए हैं उन पर अमल करेंगे तो अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबियाँ अता फ़रमाएंगे। तो इसके लिए इंशाल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह से एक तो अपने गुनाहों की तौबा करें, हर गुनाह की तौबा करें जितने हमसे गुनाह हुए हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, जान के किए हैं अनजाने में किए हैं, अंधेरी में किए हैं, दिन में किए हैं, अकेले में किए हैं, मजमे में किए हैं, हर हाल में हर वक्त में जितने गुनाह हुए हैं उन सब से तौबा करें। क्योंकि इंसान जब भी हालात इंसान पर आते हैं तो उसकी अपनी हाथों की कमाई की वजह से, यानी वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, इसी वजह से उस पर हाल आता है। तो मेरे भाइयों, एक वजीफ़ा है जो मौलाना यूनस पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूनस पालनपुरी साहब ने बतलाया है। तो वजीफ़ा ये है कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और जौन सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ना चाहें, या चाहे वो नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ें, बड़े वाला दुरूद शरीफ, या छोटा जौन सा भी आपको आता हो आसानी के साथ, 11 मरतबा अव्वल, 11 मरतबा आखिर, और दरमियान में 1000 मरतबा हसबुनल्लाहु व निअमल वकील इसका वर्द करना है, और ध्यान के साथ तवज्जो के साथ हसबुनल्लाहु व निअमल वकील का माना जहन में रखते हुए कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। और 1000 मरतबा पढ़ने के बाद जब फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद अपनी हाजत अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह से कवि उम्मीद है कि आपकी हर हाजत अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने फ़ज़ल से पूरी फरमाएंगे और आपको हर परेशानी से अल्लाह जल्ल जलालुहु निकालेंगे। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें, आपको और सारी दुनिया के इंसानों को दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए, और अल्लाह के अहकामात और नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीक़ों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो एक आपसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जितने भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वजीफे, अच्छी अच्छी वीडियो आप देख सकें। तो सब्सक्राइब करने के साथ ये जो बेल आइकन का बटन है, इस पर क्लिक करके आल वाला बटन जो है वो दबाएं, ताकि हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है इंशाल्लाह। और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर मुसलमान उसको अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने हिफ्ज़ो अमान में, हर परेशानी से अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।